और हेलो हेलो ड्रिटी फेलो, कितने कितना टाइम हो गया। मैं भाई हाइटिस होगा भाई मेरा तो। मैं तो पर्सनली हाइटिस होगा सही मैच। मैं में तो 2 हफ्ते पर्सनली बाद खुद हाइट। दिख दो हफ्ते से भी रही ज्यादा बट काफी टाइम हो गया मिलो, भाई। दो हाँ हफ्ते से ज्यादा। एक हमने बीच में 12 13 निकाला था, हाँ 14 बीच में एक निकाला था पॉडकास्ट तेरे चैनल पे, फिर उसके बाद तो आई गेस उसके बाद सीधा यही है। उसके बाद हम यही कुछ मिल रहे हैं ऐसे डिजिटल भी नहीं है भाई प्लेटफॉर्म पे। भाई लिटरली भाई सब और कुछ डेड चल क्या रहा है। डेड मतलब इन टर्म्स ऑफ को मैं खुद दिखाना अपने पब्लिकली। वैसे तो कुछ सही है बट स्टिल वैसे तो बढ़िया है, कोई आजकल नहीं तो पूरी फॉर्म है। भाई पता नहीं भाई देखते हैं देखते हैं देखते हैं, बट जो भी है देखते हैं। इट्स गोइंग समवेयर आई गेस। हाँ वो तो है समवेयर तो है ऐसी बात नहीं। इंटरेस्टिंग तो है एक्सपीरियंस लो, मतलब एक्सपीरियंस लो खुशी को। अभी पब्लिक नहीं बट एक्सपीरियंस तो तगड़ा है। ये तो डे बाय अनडाउटेड डे कुछ चैलेंज है भाई मतलब लिटरली मतलब एक हसल एक है, मतलब हसल। समझ रहा है मतलब हसल भी नहीं बोलूंगा यार मतलब तुमको अपनी ग्रोथ खुद फील होती है क्योंकि तुमको एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल रही है ना। क्योंकि एक होती है ऑनलाइन वैलिडेशन कि ऑनलाइन वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ कि अच्छे कमेंट्स आ गए ये वो ठीक है मतलब वो भी हिट करती है बट वो भी एक सर्टन टाइम तक कि चल ठीक है मतलब इसको क्या पता मैं कैसा हूँ मतलब। बट व्हेन एक्सटर्नली एक्चुअली समबडी वैलिडेट्स यू देन द ऑफलाइन आईआरएल देन इट हिट्स डिफरेंट। मतलब ये तो काफी वैलिडेशन वाला पॉइंट हो गया बट मतलब काफी एक्सपीरियंस चल रहा है यार क्या पता नहीं क्या हो रहा है आजकल तो समझ नहीं आ रहा मुझे और पता है ये एक की ये जो वैसे एज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो कहेंगे उससे एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि क्या एक्चुअल में हेल्पफुल है, या मतलब क्या एक्चुअल में यूजफुल है इस सेंस में। कि मतलब कई बार हम सोचते यूजफुल है। हैं बाहर से देख के, कई बार हमें लगता है ऐसे कि मे बी वी कैन डू बेटर या वो, बट समटाइम्स होता है कि समटाइम्स सिंपलर या फिर थोड़ा 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 टोन डाउन वो चीज इज मोर हेल्पफुल। ये तो मेरा मेरा पर्सनल राय, क्योंकि वो तो खैर आई गेस हम ज्यादा रिवील भी नहीं कर सकते इसके लिए, बट जो है कि जो मतलब मेरे को बेसिकली बोला गया था, पीछे बात करी थी मैंने अभिषेक भैया से, तो जिनको नहीं पता अभिषेक भैया भी है, हम पर्सनली जानते हैं उनको, एंड ही इज वर्किंग विद शाउट द टू अभिषेक हेड भैया। कोच, शाउट आउट कोचिंग। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ट्राई टू फाइंड जस्ट मतलब बस सिंपल कर, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस लेवल लेवल का भी नहीं, बस उन्होंने कहा कि हम यूज इतना ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है ये वाली चीज। तो राइट ये इंपॉर्टेंट है ये जानना, और इसको क्योंकि मेरे साथ पता क्या हुआ, आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। यूजलेस मतलब ज्यादा मैं सोचूंगा कि इस पे और करूँ और करूँ, एंड दैट्स सेम वेस्टिंग टाइम, तो बट आई वो थिंक वो चीज। बुरा नहीं है ना। वेस्ट तो टाइम वेस्ट तो करना है हाँ मतलब ऐसे बोलना बेकार द है। थिंग हाँ अबाउट दे इज नहीं द थिंग अबाउट इज कि जैसे कि आई वर्क ऑन अ फुटेज जैसे कोई मैच मिला आई डिड माय वर्क इज वेरी डिटेल्ड यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ यू वुड अप्रोच मतलब बहुत डिटेल्ड बहुत टाइम वेस्टिंग फालतू वाली चीजें पर पिक करना वो कैसे मतलब एक चीज हाँ मतलब मैं यूजुअली लगाता हूँ ये ऑन रिकॉर्ड है मैं एक गेम के मैं मेरा हमेशा पैटर्न चलता है गेम एनालिसिस जब भी करता हूँ कोई भी गेम करता हूँ कोई भी तो मैं शुरुआती गेम के 15 मिनट में लिटरली 2 घंटे लगाता हूँ। तो 15 मिनट 2 घंटे लग गए फिर मोस्टली फास्ट फॉरवर्ड चलता है फिर 2x कर देता हूँ मैं फिर मैंने कुछ पिक करा मतलब गेम पैटर्न समझ गया फिर वही चीज रिपीट होती है। फिर सेकेंड हाफ में अगर कुछ कुछ चेंज हुआ तो नहीं वरना 2x तो मतलब शुरुआत के 15 20 मिनट तो मैं लिटरली बहुत 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 डिटेल करता हूँ मतलब बिल्कुल एक एक पास लिटरली तभी तो 2 घंटे लग जाते हैं उसके बाद। इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि जो जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल जो फुटेज थी मतलब फुटेज क्या मतलब बहुत हम बिना क्या कहते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट के हम बातें कर रहे हाँ हैं बिना कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं लिटरली। बट मतलब बेसिकली इट्स अबाउट कि तुम कितना भी कॉम्प्लिकेट कर लो अपने अंडर जो तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है बट यू हैव टू ट्रांसलेट इन अ सिंपल वे प्लेस को। क्योंकि प्ले हम कोचिंग की बात कर रहे हैं बेसिकली कोचिंग कि कैसे कोच करते हैं। तो कोचिंग में अगर मैं पिच पे खेल रहा हूँ पिच पे मैं बताऊंगा ये थोड़ा बताऊंगा कि वो मतलब वो हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है समझ रहे हैं मतलब यू जस्ट हैव टू कि तेरा ये काम है और तू ये करेगा सॉल्यूशन सिंपल बताना। सिंपल। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइक बोलना आसान है कि तू ये मतलब समझ रहे बोलना आसान है बट करना करते मुश्किल वो है। अल्टीमेटली एग्जैक्टली एंड ये कैमरा करना मुश्किल भी नहीं है। लाइक मेरा कैमरा कैसे ऑफ हो गया मेरा कैमरा ऑफ हो गया ऑफ हो गया। हाँ मैंने अच्छा मेरा गलती से क्लिक कर दिया था ऑफ अच्छा मेरा ये रुक हाँ जा गायब हो गई भाई, मेरे तेरा एक मूवी सुन जा गायब एक सुन जा एक सुन जा वाओ भाई ये तो मिड है। मिड भाई सेशन टेक्निकल बकचोदी हो गई। डिफिकल्टीज। एक सुन जा हाँ कोई नहीं भाई।
हाँ आ गए भाई हम वापस, ये क्या बकचोद थी भाई, ये क्या हुआ, बट खैर मतलब द पॉइंट वाज कि द कब आता है हेलोवीन, मैं भूल गया, मैं अक्टूबर में आता है, अक्टूबर में आता है, अक्टूबर कहते हैं ना, स्पूक्टूबर है, चलो भाई 329 पे 329 में ब्लडी मेरी तीन बार ब्लडी मेरी, तो एक मेरा तो काम हो गया। हाँ बट बेसिकली कि तुम उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, नॉट ओनली ऐसे कि ट्रांसलेट की कितना सिंपल है, बट ऑल्सो टू ट्रांसलेट इन टर्म्स ऑफ तुम जिसको ट्रांसलेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को एक और बात समझ आती है, किसी को एक और समझ आती है, मतलब अलग है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, पहले दिन समझ आ गई थी मेरे को, जब हम ऐसे काफी रिवील कर देंगे, बट ये इतना एग्जाम्पल रिवीलिंग नहीं होना चाहिए वैसे, बट स्टिल नाम जैसे कि देयर इज अ, हाँ नाम लूंगा ऑब्वियसली, मतलब देयर इज अ गाय जिसको बोलना है कि तू अंदर आ, बिल्कुल नॉर्मली बोले, मतलब बिल्कुल तू वो खेल, मतलब वो एक ऐसी पोजीशन पे खेलता है जहां पे उसको अंदर नहीं आना चाहिए, पर उसको बोल रहे कि अंदर आ, तो वो मैंने उसको बोला पर उसने नहीं करा वो, फिर मैंने पता वहीं से चिल्ला के बोला मिडफील्ड खेल, चला गया, समझ रहा है, तो बट फिर वो मिडफील्ड में ही रहा, तो बाहर नहीं आया, समझ रहा, तो वो गलती हो, मतलब नहीं आया ये तो, वो वैसे अंदर नहीं आ रहा था क्योंकि मतलब अगेन मतलब लैंग्वेज समझना भी हर किसी की अलग होती है, एग्जैक्टली ये तो लैंग्वेज भी, और नॉट इवन लैंग्वेज यार, इट्स आल्सो अबाउट ट्रस्ट, मतलब व्हाई शुड दे ट्रस्ट यू, इट टेक्स टाइम एवरीथिंग, तो मतलब एवरीथिंग तभी आई गेस एट द एंड ऑफ द डे, जो ये एक बहुत एक अंडररेटेड चीज है, एक मतलब लाइक सिवियरली अंडररेटेड चीज है, मतलब बोल दी जाती है कि हाँ इस प्लेयर का ये एट्रीब्यूट है, बट शायद हम इतना देख नहीं पाते क्योंकि इसका वो इवैल्यूएट करना कि ये कितना डिफरेंस बना रहे इस चीज से, वो मुश्किल है कि कितना एक प्लेयर टैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंड करता है, भाई जमीन आसमान इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, तभी प्लेयर्स लाइक जॉर्जिनियो हो गए, बुस्केट्स, क्रूज, दैट्स व्हेयर आई थिंक फॉर फुटबॉलर्स भी गेम्स देखना काफी इंपॉर्टेंट है, गेम्स देखना इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि नॉट ओनली इंडिविजुअल का, क्योंकि हर कोई मोस्टली रोनाल्डो फैन बॉय, मेसी फैन बॉय, या फिर वो जॉर्जिनियो का, मतलब समझ रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ गेम सेंस जो रखता है, आई थिंक इट शुड बी बहुत, दैट्स व्हाई जो वीडियो अभी जिसकी जो वीडियो हर क्लब में चलती है ना, हर क्लब में वीडियो सेशन होते हैं, कार्लो एंचेलोत्ती बोल रहा था कि मतलब काफी कार्लो एंचेलोत्ती हर कोई बोलता है कि हमारे पास सेशन नहीं है तो वीडियो से काम चलाना पड़ता है, जिससे बन जाता है कभी कभी, जब किसी क्योंकि सेशंस होते नहीं ना हर किसी के पास, मतलब टाइम गेम में गैप ही नहीं होता, तो तुम वीडियो कराते हो, तो वीडियो पता है एक और जैसे कि वीडियो इज आल्सो, मैं इसको थोड़ा वो करूंगा एक्सटेंड दिस पॉइंट टू मैनिफेस्टेशन, मतलब जैसे कि एक मैंने कहीं मतलब पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बोलूंगा नहीं, बट मतलब यू विजुअलाइज समथिंग, वो हो जाती है इन टर्म्स ऑफ, होगी नहीं मतलब, बट उससे काफी हेल्प मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर तूने वीडियो पे काम करा बट उसको तूने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करा, बट स्टिल वीडियो से पे काम करने से तूने एज अ प्लेयर तूने बहुत विजुअलाइज कर ले कि अच्छा यही है, समझ रहे, तो उसको बहुत मेंटली प्रिपेयर दे देता है, और मेंटली और सब मेंटली एट द एंड ऑफ द डे, तो उससे काफी फर्क पड़ता है, वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट, एंड एक प्लेयर को इलिटरेट होना, मेरी बात हुई रंजीत सर से, जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ रंजीत भैया से, उन्होंने बोला था कि अभी इंडिया के काफी प्लेयर्स को नहीं पता कि हाफ स्पेस क्या होता है, मतलब हाफ स्पेस, मतलब उनकी एकेडमी में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया होगा हाफ स्पेस, उनकी टीम हाफ स्पेस खेलती है वैसे मतलब यूजुअली, तो मतलब वो बेसिकली बोल रहे थे कि काफी लोगों को नहीं पता हाफ स्पेस क्या होता है, तो जैसे कि अब हमारे क्या हमारे ऑडियंस को पता है, क्या हमारी ऑडियंस को पता है कि हाफ स्पेस क्या, हाउ विल यू एक्सप्लेन, भाई मुझे खुद मुझे पांच महीने पहले पता लगा हाफ स्पेस क्या होता है, पांच महीने पहले D-license वगैरह जब even you were doing it तब तो तेरे को एक स्पेस क्या होता है हाफ स्पेस तेरे लिए, मेरे लिए तो एकदम सेट पोजीशन है, मतलब सेट उसका कहले एक सेट पेरिमीटर है, जो विड्थ है जो जोन 16 जोन 12 जो भी, हाँ तो जो लोग समझ मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑडियंस, जो सबसे वाइड फ्लैंक्स हो गए वो विड्थ होगी, एक एक पिच को तुम ऐसे पांच वर्टिकल लेंस में डिवाइड कर सकते हो, और जो सबसे वाइड है पांच ही क्यों पांच ही क्यों, अब ये हर कोच का थोड़ा डिफरेंट होता है, आई हैव सीन सम कोचेस ओल्डर कोचेस बीएलसा से पहले, आई थिंक दिस इज समथिंग बीएलसा हैज सॉर्ट ऑफ ट्रिगर्ड की पांच में डिवाइड करके, क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ नहीं है, एक्चुअल में तो क्या है, एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं है, बस पिच भागो, एक बंदा वाइड है एक बंदा सेंट्रल है, बट ट्रेनिंग करवाते वक्त इट मेक्स इट इजियर कि तुम तब वो डिवाइड कर दो पिचेस को, और प्लेयर्स को एकदम सेट पोजीशन, वही डिसिप्लिन समझाना क्या रोल है, फंक्शन पैटर्न्स वगैरह ये सब ट्रेन करने, तो
So they started dividing it in 5 parts. Nagelson's divides it into 10 parts. अब उसमें तुम क्या बोलोगे क्या हाफ स्पेस है और एक एक और कंपोनेंट है कह सकते हो बट एक 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 वेग अंडरस्टैंडिंग है हाफ स्पेस की और वो कहेंगे कि विड्थ और सेंटर के बीच का एरिया ऐसे कह लो कि इट्स नाइदर द सेंटर नॉर द फ्लैंक्स हाफ स्पेस में उस पे आते हैं अभी बट जैसे कि जो जो डिवाइड करने वाला ना जो कन्वेंशनली डिवाइडेड जो है जो लोग मान लेते हैं मैं मेरे को पता नहीं मैं बस ये आइडिया ट्रिगर कर रहा हूं काफी रॉ है अभी यहां पे बट प्लेयर्स के बेसिस पे तो है मतलब प्लेयर्स के जैसे कि एक बैक फोर क्यों है फिर समझ रहे हैं मतलब वही डिस्कशन है कि बैक सेवन क्यों मतलब समझ रहे हैं मतलब वही डिस्कशन हां हां तो एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स के बेसिस पे है तो आई थिंक कि द रीजन व्हाई 5 या फिर 7 भी या फिर नॉट 2 और नॉट 3 मतलब कुछ भी कर लो बट यूजुअली 5 बहुत प्रेलिवेंट है आई थिंक 5 सबसे ज्यादा प्रेलिवेंट है हर कोई 5 ही चलता है मतलब अगर कोई छपा भी होगा मेरे ख्याल से तो हर कोई 5 ही चलता है आई थिंक दैट्स मे बी बिकॉज 5 वर्टिकल्स हो गए ना तो इट्स अबाउट कि यूजुअली एक एवरेज प्लेयर मतलब कितने वर्टिकल से पोजीशन एवरेज फुटबॉलर बिताता है इट्स मे बी अ प्रॉपर स्टडी ना दैट्स व्हाई इट वुड हैव बीन कि ये 5 चुन हो सकता है यस तो मतलब देयर इज नॉट मतलब मोर देन 5 लाइंस यू कैन ड्रॉ समझ रहे मतलब इन टर्म्स ऑफ कि एक लाइन पे बेसिकली कितने प्लेयर्स खड़े हो सकते हैं एवरेज ये लोग निकल रहे हैं एंड एवरेज 6 भी हो सकते हैं अगर बहुत लो ब्लॉक कर रहे हो समझ रहे हैं वो भी कर सकते हैं मतलब एट द एंड आई थिंक ऑन एन एवरेज आई अंडरस्टैंड व्हाई 5 होगा यू नो व्हाट आई मीन मतलब बेसिकली व्हाट दैट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो प्लेयर्स के पोजीशन या फिर एवरेज पोजीशन या फिर मतलब प्लेयर्स की काफी स्टडी करी गई दैट्स व्हाई 5 कन्वेंशनल लाइन डाली गई है यही होती है 5 वर्ड मेक सेंस इसलिए भी कि मतलब 5 ही क्यों डिवाइड किया क्योंकि 11 प्लेयर्स है एक टीम में हाउ मेनी पीपल आर यू विलिंग टू कमिट फॉरवर्ड या फिर अगर समझ रहे मतलब 5 अगर 5 लाइंस है तो तुम एट मैक्स 5 फॉरवर्ड प्लेयर्स कमिट कर सकते हो 5 प्लेयर्स फॉरवर्ड कमिट कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो मैं बेकार सी तरीके से समझा रहा हूं और देन यू विल स्टिल हैव बैलेंस कि पीछे कोई कवर करने के लिए ट्रांजिशन वगैरह तो आई गेस ये सब चीजें वरना बहुत क्राउडेड हो जाएगा और ये सब चीजें बट क्या कोई करेक्ट आंसर है Nagelsmann जैसे 7 ही इज नोन टू डिवाइड हिज ट्रेनिंग पिचेस इनटू 7 क्या कोई ऐसे करेक्ट इज देयर एनी करेक्ट तो बेसिकली he decides oh he divides uske 7 pe and he makes it more segregated yani ki matlab what he is trying to do basically is ki again use every vertical at his best but also ki maybe uski width zyada rehti hai jiski what I have noticed is ki 7 verticals matlab ye nahi ki 7 nahi 7 verticals matlab ye nahi ki 7 bande khade honge verticals pe ha 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 7 verticals matlab ye ki like this is divided to not for example jab hum baat kar rahe the ki even barsa ki ki har koi kya karta hai usually ki bande width ho gaye to full backs jo bhi bande and then bahut sare bande between the lines samajh rahe to maybe to clarify that samajh rahe to clarify that you make 7 verticals in terms of ki Nagelsmann jaise manager likes a lot of players jo between the lines aate hain jaise ki even against barsa 4 bande the main us waqt kaam karta kaun sa match tha wo जो जिसमें 7-0 जीते 7-0 6 अभी जो पता नहीं भूल गया जो बहुत घटिया था लास्ट डिवीजन टीम थी जो भी कहते हैं हां तो मतलब उसमें बेसिकली बहुत बंदे बिटवीन द लाइंस है उनमें से एक गोरेट्स्का भी आता है गोरेट्स्का मिलर लेवेंडोस्की भी टेक्निकली ड्रॉप भी करता है और कौन है लीरॉय साने ड्रॉप बहुत साइड खेलता है आजकल मतलब तो बेसिकली मे बी टू डिवाइड दैट तो बेसिकली फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू 7 मतलब कि हमारे पास पोजीशन होगा तो वी शुड नॉट बी ओवरलैपिंग ईच अदर मतलब हम एक की लाइन में नहीं खड़े हैं तुम भी उसका फुटबॉल ऐसे मतलब बेसिकली टू क्लैरिफाई इट फॉर प्लेयर्स के लिए इजीली अंडरस्टैंड करना अगेन वही ट्रांसलेशन वाला टॉपिक क्योंकि व्हाट यू डूइंग एक्चुअली इज क्लासिफिकेशन राइट मतलब तुम क्लासिफाई तो कर रहे हो 7 मतलब बेसिकली 7-5 क्लासिफिकेशन ही तो है एक्सप्लेनेशन ही तो है एक फुटबॉलर का काम इजी करना लाइक लिटरली मेरे को एक याद है आई डोंट रिमेंबर कि प्रायर टू जैसे अभी हम 18 जोन्स में डिवाइड करके और ऐसे जानते हैं पिच को प्रायर टू दिस शायद इससे पहले या अभी नया है आई एम नॉट टू श्योर पर मैं पढ़ रहा था और वो कुछ डिफरेंट था उसमें इक्वल पार्ट्स नहीं थे समझे उसमें हर पार्ट की लेंथ डिफरेंट थी हर पार्ट का पार्ट की विड्थ डिफरेंट थी वो मैं सिस्टम का नाम भूल गया उसका भी कुछ नाम था ऐसा कि पहले था शायद आई रिमेम्बर दिस इज एन ओल्डर सिस्टम पहले वो ऐसे डिवाइड करके एक्सप्लेन करते थे तो ये वो भी था एक सिस्टम मतलब एक टाइम पे वैसे भी करते थे उसमें मतलब बेसिकली नौ इंटरप्रिटेशन ना भाई इंटरप्रिटेशन आइडियाज की इंटरप्रिटेशन हो गई ना एंड इवन जैसे कि जब हम देखते हैं पिच पे कि
पिच पे कॉर्नर काट दिए या फिर पिच छोटी कर दिया, फिर डायगोनल हेप्टागन कर दिया, वो ऑक्टागन कर दिया, वो सब चीजें शेप, दैट्स आल्सो ट्राइंग टू ट्रिगर समथिंग्स. मतलब एक तुमने अपने आइडिया को एक शेप दे दी, समझ रहे, एंड दैट्स हाउ यू डू विद द लाइंस एंड द जोन्स. जोन्स तो आई थिंक काफी प्रूवन थॉट, जो जो 16 जोन्स हैं, जो भी हां वो तो प्रॉपर प्रूवन है, लाइक सॉरी 18 वो तो प्रॉपर प्रूवन है, लाइक वो तो आई थिंक मतलब दैट मेक्स सेंस, लाइक क्योंकि पिच पीएच तो डिवाइडेड है अच्छी तरह. एंड आल्सो काफी इंटरेस्टिंग बात थोड़ा सेवी इन टर्म्स ऑफ की फेंकना आसान है कि 18 जोन 5 वर्टिकल, समझ रहा है. सर्टन कोचेस डोंट नीड दैट, क्योंकि कोचिंग इज नॉट अबाउट दिस मोस्टली. कोचिंग इज नॉट ओनली अबाउट दिस, सॉरी कोचिंग इज नॉट ओनली अबाउट दिस, कोचिंग इज नॉट ओनली अबाउट कि पांच जोन, कि एक बेस्ट कोच वो नहीं होगा जिसको पांच जोन 18 को, समझ रहे, इन सब थ्योरेटिकल नॉलेज होगी. एट द एंड ऑफ द डे कोचिंग इज ऑल्सो साइकोलॉजी, नॉट ओनली दैट बट इट्स अगेन इट्स बेसिकली अंडरस्टैंडिंग योर प्लेयर्स एंड ट्रांसलेशन एंड क्लासिफिकेशन. एट द एंड ऑफ द डे जो तू वर्ड भूल रहे वो है रियलाइजेशन कि जैसे इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि फिलोसफी एक फिलोसफी हो गया, यू नो अबाउट दिस, एक तेरी अंडरस्टैंडिंग इज यू नो अबाउट द पिच, यू नो अबाउट स्पेसेस टाइम, तुझे पता है. पर अगर तू अपने प्लेयर को ये रियलाइज नहीं करवा पाता कि उसका क्या पोजीशनिंग है, उसका कितना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसके पास कितना टाइम, जो कि कहना एकदम आसान है, बहुत इट्स टू इजी टू से इट आउट लाउड, राइट, बट टू एक्चुअली बी एबल टू, मतलब उस प्लेयर, क्योंकि तुम खुद नहीं कर रहे ये, समझ आया. कोच नेवर स्कोर, पेप गार्डियोला बोलता था, हैट्स ऑफ टू द प्लेयर्स, आई हैव नेवर स्कोर्ड अ सिंगल गोल इन माय करियर, मतलब इन माय कोचिंग करियर, क्योंकि नहीं मारा, एवरीथिंग इज डन बाय देम. तो वो रियलाइज, वो हाउ दे रियलाइज इट जो तू बोल रहे, राइट, दैट इज द होल पॉइंट. तभी इतने पैटर्न्स ट्रेन कर रहे हैं, तभी इतने 100 ड्रिले करा रहे हैं, तभी कई बार फालतू की ड्रिल्स लगती है छोटे छोटे स्पेसेस की, पर होती है वो, there are things that are happening in the in like you know conscience पे क्या वर्क कर रहा है, वो चीज है. रियलाइज करना बहुत मुश्किल है, मतलब इवन फॉर अ कोच, कोचेस के लिए भी मुश्किल होता है, तभी इतने वेरिड स्टाइल्स हैं, कोई इतना ही रियलाइज करता है, कोई कुछ ज्यादा ही करता है, इस तरीके से जो डिफरेंस है. भी काफी इंटरेस्टिंग बात भी, क्योंकि मैं देखा था उसका एक ब्लॉग, बेन फॉस्टर ना गोलकीपर साइकिंग जो वॉटफोर्ड, उसका देखा था, उसने उसके ना ऐसे उसने मतलब एक टॉम क्लेवर ली उनकी टीम में वॉटफोर्ड में, तो उस बेन फॉस्टर बता रहा था कि हम जब भी मैच, क्योंकि वो सारे मैच देखते ना, जब भी कोई मैच चल रहा था, हर कोई मोबाइल पे होता है, हर कोई मोबाइल, हर कोई फुटबॉलर, मैं भी मोबाइल पे होता हूँ, हर कोई मतलब मोबाइल पे, इन टर्म्स ऑफ की हाफ अटेंशन, समझ रहे, मतलब मोबाइल होता है, ऐसा नहीं कि वे टोटली इन द मैच, बट क्लेवरली हमेशा मैच देखता है अच्छी तरह, क्योंकि क्लेवरली को फ्यूचर में कोच बनना है. तो इट जस्ट सेंड्स अ पॉइंट की इवन एट दैट लेवल, मतलब इट्स बेसिकली की अगर मैं 30 प्लेयर्स को बिठाऊंगा, एक बिठाऊंगा इन टर्म्स ऑफ एक जगह बिठा दिया, मैंने कोई उनको सिखा रहा हूँ कुछ चीज, मैं उनको सिखा रहा हूँ वर्बली हाफ स्पेसेस, लेट्स से, कितना बोरिंग होना उनके लिए, बहुत, कितना बोरिंग है उनके लिए, क्योंकि क्लेवरली कितने है टीम में, एक दो ही होंगे, दो तीन इंटरेस्टेड होंगे जो बिल्कुल सीखने जाते हैं, बाकी सबके लिए तो है नहीं इंटरेस्टेड, उनको तो बस पिच पे बॉल दो ना, तो बैठ के वहां पे. तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट की बोर की सीड्स ले करना, rather than just giving everything out, giving everything out in terms of ye main apna main ha bhai main to phek di mera to kaam ho gaya aisa thoda hota ye thoda coaching hoti matlab basically it's about ki prompting mistakes matlab samajh rahe ek ek curve samajhna player ka ki is samay mistake kara tha usko realize ye khud matlab usko uske dimag mein baat bharni nahi uske dimag mein khud baat aani chahiye aisa process apnana samajh rahe ki matlab for example let's say agar ek player ek mistake kar ja raha hai wo same mistake kar raha hai to rather than blatantly pointing it out I think that's bad coaching. And the reason why I say it's bad coaching is ki who says it's wrong? What's wrong or right? Samajh rahe? Maybe kisi aur team mein wo right hai. Samajh rahe? Matlab exactly. So maybe to matlab that to it's very to matlab wahi to exactly. To wahi curve follow karna to lay those seeds step by step ki ye mistake bar bar prompt ho and wo apne aap samjhe. Matlab and that's I think and ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल है कि वो तुम्हारे पास आए फिर समझ नहीं समझ रहा है अगर तो तुम्हारे पास प्लेयर आ रहा समझ नहीं देन यू हैव अचीव्ड कि ओके भाई तुमने इतना स्पार्क कर दिया उसके अंदर कि ये आल्सो सोने से पहले बोल रहा है कि फक मतलब समझ रहा है मतलब तो दैट्स प्रॉपर आई वुड से कि स्टेप बाय स्टेप टेकिंग इट एंड वो क्या कहते हैं
सीड्स ले करना अच्छी तरह rather than blatantly saying it out. ये क्योंकि अभी हमें ऐसे डिटेल्ड थोड़ा ऐसे जा रहे कि क्या क्या चल रहा है कोचिंग दिमाग क्या चल रहा है. एक ब्रिलियंट पीस ऑफ एनालिसिस जो मतलब बहुत रेयर होते मिल जाए ऐसे, यर्गन क्लॉप का पोस्ट मैच इंटरव्यू था आफ्टर दैट सिटी वर्सेस लिवरपूल गेम. आई थिंक तू शायद तूने देखा नहीं, यू वर बिजी. हां देखा मैं. देख लिया तू मैच देख लिया? ट्विटर पे आता था. मैच नहीं देखा मैंने उसका, वो देखा. अच्छा अच्छा वो देख ली. वो क्या कहता है एंड मैं तुझे, अगर तूने मैच नहीं देखा तो मैं फर्स्ट हाफ कहता इट वाज प्रोबब्ली ऑलमोस्ट ऑल सिटी, मतलब ऐसा लग रहा था कि सिटी बॉल डोमिनेट तो कर ही रही थी ऑब्वियसली जो करेगी उनका प्लान होता है, पर मतलब दे वर प्रोबिंग, फाइनल थर्ड में जा रहे थे, दे वर प्रोबिंग, दे हैड अ कपल ऑफ गुड चांसेस. तो उसने इतनी मतलब इट्स सो बेकार बात है, सिंपल बात है, पर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी लगती है कि उम्फ है इस बात में, एक पंच है इस बात में. उसने बोला कि क्यों, उससे शायद क्वेश्चन ये था कि व्हाट वाज रॉन्ग हैपेंड, मतलब क्या गलत हो रहा था फर्स्ट हाफ में. तो उसने नहीं शायद ये था कि क्या चेंज करा. उसने बोला कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि उसने कुछ पर्सनल चेंज नहीं किया था. ही डिडंट चेंज एनी प्लेयर, ही डिडंट सब और सब इन और सब आउट एनी प्लेयर. व्हाट ही सेड वाज कि फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा था कि दे हैड अ लॉट ऑफ बॉल. उन्होंने कहा वी स्टार्टेड वेल, हमारे पास थोड़े कम चांसेस आए, हाफ चांसेस आए, बट क्या वो धीरे धीरे दे टू कंट्रोल ऑफ द गेम सिटी के पास, एंड देयर प्लेयर्स आर सो गुड ऑन द बॉल, दे विल यू कैन नॉट टेक द बॉल अवे, सो दे हैड अ लॉट ऑफ बॉल. और उस वजह से क्या हुआ कि वो उसने जो मैं बता रहा था तुझे, आई टॉक दिस जब हम जेएलएन में मिले थे, कि वो बोल रहा था हाफ स्पेसेस के बारे में बात कर रहा था. तो क्लॉप बोलते हैं कि उनके प्लेयर्स को पसंद है, व्हेन दे अटैक दे ट्राई टू अटैक फ्रॉम सेंट्रल एरियाज हाफ स्पेसेस, उनका मोटो है सेंटर से अटैक करो. उसने बोला अब हाउ डू यू स्टॉप दैट, या तो तुम्हारी बैकलाइन जंप करेगी, आइदर दे जंप इन हाफ स्पेसेस, और या फिर तुम्हारी जो उनसे पहले जो उनसे सेकंड लाइन है तुम्हारी प्रेस की, दे रिकवर क्विकली, वो जल्दी रिकवर करें. तो कह रहा था क्या हो रहा था, वी वर ट्राइंग टू जंप और नहीं हो रहा था, वी वर गेटिंग बीटन देयर, और हेंडो और कौन था, जोन्स था शायद, आई डोंट रिमेंबर क्या लाइनअप था, पर हेंडरसन था. तो कह रहा था, उसने हेंडरसन का नाम भी लिया था, बोला ये दो, बट दे वर नॉट एबल टू रिकवर क्विकली इनफ. तो इससे क्या हो गया, व्हाट हैपेंड वाज कि हमारा साइकोलॉजिकल हार गए. व्हाट हैपेंड कि अब बॉल नहीं रख, प्लेयर्स आर लॉस्ट साइकोलॉजिकली इस पॉइंट पे जब दे हैव स्टार्टेड टू लूज ड्यूल्स. तो क्या हुआ, नाउ वी हैव स्टार्टेड टू प्ले लॉन्ग बॉल्स, और आए उनके एक आध हाफ चांसेस टाइप चीज लॉन्ग बॉल से. बट अब मेरे को व्हाई दिस हिट मी, व्हाई दिस वाज सो गुड, वाज बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड हैव सॉ दैट सीन दैट फर्स्ट हाफ वुड हैव सेड दैट कि लिवरपूल का प्लान था लॉन्ग बॉल बायपास करना मिडफील्ड को. A lot of उन्होंने कहा होगा, उसने बोला मैं तो कभी I never do this. उसने कहा I will never tell my players to do this stupid long balls. उसने कहा नहीं, ये plan था ही नहीं. It happened because players lost psychologically कहीं ना कहीं, क्योंकि वो नहीं रख पा रहे थे position, they were getting lost in position. उन्होंने बोला they started pinging long balls. तो इसलिए मैंने कुछ I let it go for the half. अब कुछ कर नहीं सकते, तो मैं एकदम first half में change. तो उसके बाद उसने कुछ change नहीं किया. उसने कहा everything was here. जो चेंज करना था वो इंस्ट्रक्शन पे करना था, जो चेंज करना था वो कितना बैठना है, कितना डीप हो, ये सब चीजें मतलब मोर डिटेल्ड रादर देन ये सेइंग कि किसी कोई आरा गैरा बैठा होगा एनालिसिस, उसने बोल दिया होगा कि वो तो पहले दे वर ट्राइंग टू पिंग लॉन्ग बॉल्स, इतने डायगोनल बना रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या बोलता वो. बट दैट वाज इट. यर्गन क्लॉप न्यू इट, राइट. ब्रिलियंट कोच, ब्रिलियंट मैन, और सब मजा आ जाता है. आई लव इट व्हेन, एक तो क्वेश्चन तो बेकार ही था, मतलब कुछ ऐसे वेग सही था कि क्या गलत हुआ. बट आई लव इट व्हेन मैनेजर्स डू दिस, जब वो जाते थे, जब वो एक्चुअल में इनसाइड. कभी क्लॉप गया नहीं भाई इतना, क्लॉप नहीं गया इतना, कभी नहीं गया. हां वो काफी हाफ स्पेस में कभी बहुत कम जाता है, बट यूजुअली जर्मन मैनेजर्स आर सपोज्ड टू बहुत, लेकिन नागल्समैन तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तो बहुत बेंच पे घुस जाता है. या बट द पॉइंट यू ट्राइंग टू मेक हियर इज द कोच इज इतना अटैच्ड विद द टीम कि ही नोस कि वैन डाइक गाली देना,
दिस ऑल स्टेट साइकोलॉजी राइट, मतलब साइकोलॉजी तो एट द एंड मतलब साइकोलॉजी भी नहीं, मतलब वो तो काफी स्पेसिफिक वर्ड हो गया, बट अगेन मैन मैनेजमेंट, मतलब एट द एंड कोचिंग इज ऑल अबाउट. That's why Sir Alex Ferguson is one of the greatest. He may not have been one of the greatest tacticians, but he knew kis player ko kab bench karna tha, kab kya, samajh raha hai, wo hoti hai proper ek manager, like he is a manager. Sab cheezon ko manage karna. That's why he's one of the best, personally my favorite. Matlab Sir Alex Ferguson ka jo jitna main record dikha hai, also when uske season mein bahut achhi tarah 19 season 2007 season mein, and I've seen ki he's had very bad seasons. Starts bahut ghatiya. 99 वाले सीजन में व्हेन दे वन ट्रिपल दे हैड अ वेरी बैड सीजन स्टार्ट में, दे लॉस्ट गेम्स, दे ड्रू गेम्स, प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म, घटिया. जो ओले का भी स्टार्टिंग लेट से वही था, मैं एक्ट नहीं कर रहा, तो लग रहा है तेरे को लग रहा है ये ओले की टीम ट्रिपल जीतेगी, ऐसा हुआ था लिटरली. सोच सर एलेक्स फर्ग्यूसन वाज डाउटेड सो मच उसके पूरे टेन्योर में, लाइक इतना बहुत ज्यादा दबा दबा के, एंड देन अगेन मतलब बट ही वाज ट्रस्टेड टू, एंड दैट्स व्हाट ही सेड उसके फेयरवेल में कि यू ट्रस्टेड मी सो मच, तो अगले मैनेजर को भी करना, मतलब वो तो इट्स बेस्ट यही भाई इलेक्ट्रिस, अपने प्लेयर्स को समझना, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू. एंड मैं काफी इंटरेस्टिंग हूं क्योंकि अभी एवर्टन बहुत अच्छा करी प्रीमियर लीग में, एंड एवर्टन का जो मैनेजर राफा बेनिटेस वो इतना इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब जितना मैंने बुक पढ़ी है स्टीव जी वाली, तो उसने बोला कि अगर हमको राफा बेनिटेस मिलेगा भी ना तो हम इतनी बात नहीं कर पाएंगे, हमारा हाई हाई लोग, तो इतना वो नहीं. मे बी राफा बेनिटेस जानता होगा प्लेयर्स के बारे में, बट वो बात नहीं कर रहा है, या तो वैसा होगा. बट ये भी है, पीपल चेंज, पीपल ग्रो एज वेल, तो मतलब काम करके दो, सिंपल जो अंडरस्टैंडेबल है. मे बी ये ओल्ड स्कूल मैनेजमेंट होगी, मे बी क्योंकि मुझे पता नहीं ओल्ड स्कूल मैनेजमेंट कैसी होगी, मुझे पता नहीं, या तो बहुत केयरिंग उसका कल्चर क्या है, स्पेनिश उसका कल्चर. हाँ वो प्लेयर था, एक्स प्लेयर था, इंजरी हुई एक्चुअली, वालेंसिया जीता ना, वालेंसिया ला लीगा जीता, क्योंकि आई गेस कि इंग्लिश जो कोचिंग में पूरा सीन, इंग्लिश कोचिंग कल्चर इज वेरी डिफरेंट टू अदर प्लेसेस, वो तो खैर है ही. और भाई तभी व्हाट अ ब्रिलियंट गेम इट वाज, व्हाट अ शेम यू मिस्ड इट, लिवरपूल वर्सेस सिटी, पिछले 3 साल से आई गेस इट इज द बिगेस्ट फिक्स्चर, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि द फुटबॉल इट प्रोड्यूसेस, प्रीमियर लीग में तो अच्छे मैचेस थे, अनडाउटेडली मजेदार थे, बहुत देखने वाला, बट दिस वाज डिफरेंट व्हेन लिवरपूल एंड सिटी प्लेड, डिफरेंट लाइक लेजिट डिफरेंट टेम्पो वगैरह, क्योंकि दोनों टीम्स इट वाज स्पेक्टेकल, लाइक लिटरली the best football match I have watched this season, easy. Even Euros ko bhi mila do, to nothing came close, nothing, like literally nothing came close. Mera favorite was this season, isme jo social the soch Mallorca versus Real Madrid ho sakta na bhai. Mera favorite kaun sa hoga bench show, puja puja yaad karo, France mein bahut maza aaya tha, to be honest. नहीं, तो वो था, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, आयक्स वर्सेस अटलांटा. मुझे अगर है तो कोई सही बताऊ तो आई वुड से इट्स वियर्ड, आई डोंट नो, वो गेम मुझे याद करने दे कैसी थी. अरे हाँ याद आ गई,
बेसिकली अरे हाँ मैं काम कर चुका हूँ तो भाई बार्सा वर्सेस एटलेटिक तो भाई आई थिंक इट वाज आल्सो एक साइकोलॉजिकल गेम. अच्छा उस गेम की बात करते हैं आज. उस आई थिंक इट वाज अ साइकोलॉजिकल गेम फ्रॉम सिमियोनीस पार्ट. अगर तू सिमियोनी है, अगर तू देख रहे कि एक बार्सा टीम खेल रहे जो यंग है ठीक है तो एंड नीको खेल रहा है तो एविडेंट नहीं है. अगर तू मैं जब लाइनअप भी देखा था ना मैं स्टार्ट भी नहीं कर रहा था. मैं लाइनअप हमेशा पता क्या करता हूँ, एक और एनालिसिस के पार्ट लाइनअप देखता हूँ. पर 15 मिनट लगाता हूँ लाइनअप पर आराम से हर प्लेयर के ट्रेट के बारे में बात करता हूँ किसका प्लेयर ये ट्रेट है. फिर मैं बात करता हूँ अगर मैं मैनेजर इस टीम का होगा तो मैं इस इंटरेस्ट को कैसे कैप्टिवेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ की कैसे मतलब पैटर्न बनेंगे बेसिक बहुत बहुत रैंडम पॉइंट को कैसे पैटर्न बनेंगे. तो मुझे पता था कि लेमार जो जॉन फेलिक्स मुझे परप्लेक्सिटी दिख रही है यहाँ पे निको वाली पोजीशन पे. निको तो पिटने वाला है इस गेम में, मतलब पिटने वाला है इन टर्म्स ऑफ कि इसको टारगेट करो समझ रहे, इसको इसको बेंच कराओ, इसको बेंच कराओ, ये कोचिंग पॉइंट मतलब समझ रहे. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड निको गलती नहीं है बट समझ रहे मतलब लेमार ही कुड नॉट डील विद इट. लेमार जॉन फेलिक्स ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कोई भी नहीं भाई बॉल आई क्यों बट अराउहो भी नहीं मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर आवर प्लेयर्स टू डील विद दिस. उस मैच है तो इट वाज लाइक कि we were not on bhai joffrey bahut fast game thi joffrey really really good bhai he was on drugs bhai ridiculous same drugs pe tha bhai wo to pagal ho gaya tha bhai kar raha tha crazy bhai uska ek turn itna pyara tha i don't know ki ab ye maine aur bhi players ko karte neymar ko karte dekha ball aa rahi hoti hai when you are receiving to back foot pe receive karne ka aise karta hai matlab you fake it to receive on the back foot aur usi se flick kar dete ho aage and turn brilliant कितनी मुश्किल चीज है. एक ऑफेंसिव टैलेंट को एक इतने कारास्को वन वन में फाड़ देता है किसी को. कारास्को इतना टेक्निकल प्लेयर है बट कारास्को को ऐसे इतना जीत लेना की उसको बोल कारास्को आई सॉ हिम मोस्टली बैक फाइव में लाइक आई सॉ हिम वेरी वेरी डीप. वो तो बहुत ही डीप था. आई सॉ लेमार एंड जॉ फेलिक्स मोस्ट जॉ फेलिक्स भाई हां भाई समझ रहा है मतलब कारास्को अपने ट्रांजिशन में लगाया एंड वो उनका सरप्राइज ट्रिकी प्लेयर सरप्राइज भी के बोलूंगा मतलब ही इज दैट एक्सपेक्टेड प्लेयर जो बहुत डिस्टेंस कवर कर समझ रहा है उनका मेन दो पोजीशन कवर करने वाला प्लेयर है वो सब चीजें. बट आई सॉ हिम मोस्टली बैक में. आई वाज लाइक कि भाई कूडोस टू सिमोने कि उसने खुश रख रखा है इस प्लेयर को चाइना से बुला के. आई थिंक कारास्को ने प्रॉपर टर्नओवर करा अपने पूरे करियर का क्योंकि नाउ ही इज आल्सो डूइंग दिस विद बेल्जियम यू नो. तो मतलब कारास्को का तो लिटरली हैट्स ऑफ टू ऐसे प्लेयर जो डिसिप्लिन रखते पोजिशनली क्योंकि डिसिप्लिन पोजिशन रखना भी बहुत डिफरेंट क्योंकि हर किसी को बॉल हर किसी को स्पॉटलाइट हर किसी को समझ रहा है हर किसी को एट द डिफेंसिव वो टैकल इट्स अबाउट की वो ट्रस्ट और सैक्रिफाइस ये काफी अच्छे वर्ड्स हैं. तो मतलब कारास्को की पोजिशन बहुत अच्छी आराम से दिखा था अच्छी तरह. और आजकल ये फ्रॉम दिस दिस बार्सा गेम्स आजकल एक इफ यू हैव फॉलोड सोशल मीडिया एक एजेंडा या फिर एक कॉन्वर्सेशन निकल रही है कि why Busquets is so different with Barcelona and with Spain. तूने भी देख did you watch the match yesterday Spain versus Spain? हाँ. तो आजकल ये बहुत वो निकल रही है कॉन्वर्सेशन की ऐसा हाँ. समझ रहे ना तो किस चीज पे एक ही बंदा जो जिसका नाम आ रहा होगा हमेशा but you get the point. What do you think? What do you make of it? इसका से बहुत सिंपल है. इसका से बहुत सिंपल नहीं है. इसका से बहुत ज़्यादा सिंपल है. हमारे लिए सिंपल होगा ये. I think on facts. This is has. I don't know, but I think there's no other way to put it. Barca just lose way more balls. Barca loses. Just lose a lot more balls than Spain. Huh? That's the answer. That's easiest. Easiest way to. छोड़ी नहीं भाई इटली इटली की बोले होता रियो फर्डिनेंड की जो बोल रहा है रियो फर्डिनेंड की मेरी टफेस्ट गेम थी वाज अगेंस्ट बार्सा 2011 में. पनोची ने भी बोला कि भाई मेरी टफेस्ट गेम वुड बी अगेंस्ट स्पेन. उसने बोला था मतलब यूरोस के बाद भी मतलब व्हेन दे डिफीटेड स्पेन they should not मतलब वो गेम स्पेन भी डोमिनेट कर रहा था डोमिनेट कर रहा था हां बहुत ज्यादा हां बट बस एंपोर्टेंट था मतलब बेसिकली. बट बोनोची सेड आफ्टर आई थिंक बोनोची वाज मैन ऑफ द मैच. मुझे पता नहीं कोई मतलब जिसने पोस्ट इंटरव्यू दिया था ही सेड कि दिस वाज अ टफ गेम मतलब बहुत टफ गेम और होगी भाई ऑब्वियसली भाई स्पेन लाइक स्पेन भूत एंड नॉट ओनली मतलब अभी हम थोड़ा इस पर टॉपिक पे आएंगे बट थोड़ा जेनरिक पॉइंट जो मैं छोटा करके बंद कर दूंगा. बट
जो टीम बॉर्डर थी वही तो मार रही है टेक्निकली. द टफेस्ट टीम टू प्ले अगेंस्ट इज अ टीम व्हिच कीप्स द बॉल सिंपल. समझ रहे मतलब एट द क्योंकि अगर द टफेस्ट टीम टेक्निकली वो भी होगी जो बहुत क्रॉसेस डाल रही है. समझ रहे बहुत वो समझ रहे जो रिलेंटलेस वो चल रहा है वो जो जैसे लिवरपूल वो टीम लिवरपूल इज नॉट द टीम टू कीप द बॉल एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द बॉल. दे आर द टीम टू मेक इट हैपन. समझ रहे तो लिवरपूल इज अ टफ टीम टू प्ले उस सेंस में. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मोमेंटम राइट. इट्स अबाउट नेवर स्टॉप. जब तो जब भी तो स्पेन को फेस कर रहा है फिर प्राइम बार्सा को फेस कर रहा है फिर लिवरपूल को फेस कर रहा है यू कांट रिलैक्स. एंड दस दैट्स अ टफ गेम फॉर यू. जिस गेम में जिस ऑपोजिट तुमको रिलैक्स फील करा दिया कि आराम से बॉल रही है मैं समझ रहा हूं ब्रीथिंग टाइम नहीं मिलता भाई. अब वहां पे अगर ट्रैक बैक नहीं करेगा फेरान तोरेस सॉरी फेरान वो किएसा उसको गालियां पड़ेगी बेंच से. समझ रहे मतलब वो हर जगह चाहे राइट पे बॉल चले तो उनको समझ रहे. तो स्पेन और ऐसी टीम है जो इतनी रिलेंटलेस लाइक बॉल भी रखना अच्छा होता है. आई थिंक इट्स अबाउट की देयर क्विकनेस समझ रहे क्विक डिसीजन मेकिंग एंड द वे दे यूज अ मोमेंटम. मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट है भाई. और ये लाइक समवट अंडररेटेड चीज है पर उनका पोजीशन इज ब्रिलियंट लाइक लेजिट. तुम क्लब फुटबॉल भी देख रहे होगे वो देख रहे होगे कि मतलब पहले आई रिमेम्बर कि एक डिवाइड तो अब भी है अनडाउटेडली क्लब फुटबॉल और इंटरनेशनल फुटबॉल में अब भी है. इट्स क्वाइट अ बिग ऑफ अ डिवाइड क्वाइट अ बिग ऑफ अ गैप. बट स्टिल भाई स्पेन का पोजीशन इट्स लाइक लेजिट ब्रिलियंट. लेजिट स्पीड कैसे ले जाते हैं हर पोजीशन पे भाई. और मतलब आई गेस कि और भाई लुइस एनरिके को जितना स्टिक मिलता है इस चीज का उसकी सिलेक्शन का आई डोंट थिंक किसी और मैनेजर डेशाम को नहीं मिलता जिसका नेशन लिटरली स्टैग्ड है उसको इतना स्टिक नहीं मिलता जितना लुइस एनरिके को मिलता है उसकी सिलेक्शन के लिए. पर वो कुछ भी कर लेते हैं. स्पेन इज लाइक अ टीम जो कुछ भी कर सकते हैं. उनको कैसी भी बेकार पोजीशन में डाल दोगे दिल फाइंड अ वे आउट. दैट्स हाउ गुड दे आर एट द मोमेंट और यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट भाई. मतलब मैं आई रिमेम्बर एक और लपोर्त भाई राइट फुट से इट्स क्रेजी एकदम अनफेवरेबल सिचुएशंस में. बट यार मतलब टू मेक इट वेरी सिंपल आई थिंक टू मेक इट वेरी सिंपल आई थिंक मतलब बोलूंगा नहीं कि ये प्लेयर पिक करूंगा कि ये प्लेयर की वजह से टीम होगी. बट आई वुड से कि यार फेरान तोरेस की वजह से यार ये टीम बहुत बहुत डिफरेंट भाई बहुत डिफरेंट है. फेरान तोरेस भाई गोल स्कोरर है लेजिट बंदा भाई. इस टीम में गोल्स प्रॉब्लम गोल्स करेंगे ना सिंपल भाई. एग्जैक्टली वो गोल मार देता है भाई. एक शॉट चांस वो नेचुरल गोल स्कोरर है भाई. वो नेचुरल गोल स्कोरर है भाई. भाई क्रेजी परफॉर्मेंस दे ही हैज प्लेड लाइक 22 गेम्स आई थिंक फॉर स्पेन राइट नाउ और उसके 12 गोल है व्हिच इज क्रेजी. उसका 490 कितना हार्ड है. 21 22 साल का है ये भी सोचना है. 21 22 साल का है. उसके बहुत सारे कैच है फॉर आउट. अगर मैं सिमिलर नहीं करूंगा सिमिलर तो नहीं है प्लेयर्स ऑब्वियसली बट आई वुड से गनाब्री वाज सेम. गनाब्री का भी 490 लाइक विद इवन विद बायर्न म्यूनिख जब वो खेलता है मोस्टली उसका बहुत है लाइक ही गेट्स गोल इवन विद जर्मनी. और सर्टेन प्लेयर्स होते हैं ना सर्टेन प्लेयर्स उनको पता है कि दे विल स्कोर गोल्स मतलब इफ यू पुट देम इन पोजीशन. बट इफ वरी तो बात भी नहीं भाई. फेरान तोरेस तो ऐसा नहीं कि एक जगह खड़ा है इतनी मूवमेंट करने के बाद भी ही इज देयर इन द राइट पोजीशन राइट. तो समझ रहे तो फेरान तोरेस इज अ बहुत 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 क्वालिटी प्लेयर भाई. उसका जो सेकंड गोल था निकाल उसका जो सेकंड गोल था उसमें लाइक ही इज नॉट अ स्ट्राइकर स्ट्राइकर राइट राइट. दैट मूवमेंट वाज ट्रेडमार्क अन नंबर में लिटरली ट्रेडमार्क. पहले नियर पोस्ट पे जाके फिर वो सेपरेशन बनाने वाली मतलब जो बोलना था हेडर वाज एफर्टलेस ना. दैट हेडर वाज एफर्टलेस ना बिग क्रेजी. वो हेडर देख के पता लगा कि यूजुअली क्या करता बंदा या तो पैनिक हो गया मतलब पैनिक यानी कि गोल पे मार दी सब या तो नियर पोस्ट समझ रहे हैं. हां भाई उसने एफर्टलेसली लाइक ही वेंट इट जस्ट शोस कि ही इज लाइक दैट. लाइक फॉर एग्जांपल मतलब टेक्निकली आई टेक्निकली नहीं बोलूंगा बट आई वुड से कि हालैंड इज अ प्लेयर जो 10 आउट ऑफ 9 टाइम फिनिश करेगा. बट व्हेन यू सी हालैंड इट डजंट लुक एफर्टलेस मतलब एफर्ट ही लुक्स वेरी पैनिक नहीं बोलूंगा बट समझ रहे ही लुक्स वेरी ऐसा वो उसका स्टाइल ऑफ प्ले हो गया. हाफ इज इट अच्छा होगा बट उसका भी कन्वर्जन रेट में भी बेटर होगा फेरान तोरेस मतलब मुझे पता है वो तो उसका काम ही हुआ है. बट फेरान तोरेस जस्ट लुक्स वेरी एफर्टलेसली. फॉर एग्जांपल ओयारज़ाबाल डजंट लुक लाइक दैट. ओयारज़ाबाल व्हेन ही कम्स इन 1v1 ही मे नॉट बी एज गुड एज फेरान और इवन पाब्लो सराबिया. बट फेरान तोरेस में वो प्रॉपर आई थिंक इट्स अबाउट उसके वही ग्रास रूट ना. ये ग्रास रूट वाली बकचोदी होती है भाई ये पर ओयारज़ाबाल भी कल बचपन से क्या करता है. ही वाज टेकिंग द पिस जो पहला गोल के लिए बॉल थी भाई. कौन सा लेफ्ट डी लोरेंजो. हां डी लोरेंजो डी लोरेंजो भी बोलूंगा सही. अरे उसका लेफ्ट राइट बरेला स्पिन का ओ इटली का केसा था ना. केसा नहीं अरे सॉरी नंबर 8 कौन था राइट पे भूल गया. बरेला तो पिटा था पूरी गेम में कल पूरी गेम में. उनके मिडफील्ड बरेला जराती जॉर्जिनियो
लाइक लिटरली सम ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स एट द मोमेंट. और जो कल स्पेन की मिडफील्ड थी वो बुस्केट्स, कोके, कोके जो ब्रिलियंट है, कोके को प्रेज नहीं मिलती. कोकेस एट द मोमेंट बुस्केट्स वो करता हाफबैक करता हाफबैक हां अबे, और उसको वो नहीं है. बुस्केट्स इज नॉट लुइस एनरिकेस प्लेयर, मतलब है कहीं ना कहीं चेंज कर देता है स्पेन को, बट ही इज नॉट द मैनेजर प्लेयर जो कहते हैं ना कि ये मैनेजर का प्लेयर है, वो कोके है. इस टीम में वो कोके है. और जितने उसको प्रेज बहुत करते हैं लुइस एनरिके जो दे है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग, कंपेंसेटरी प्लेयर, जस्ट इंटेलिजेंट, नोस की इसको कैसे हेल्प करनी है. और जो कल एक 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 जो कल चीज थी आई गेस जो कल स्पेन कर रही थी, उन्होंने दे डिडंट प्ले अ राइट विंग, सराबिया था बट ही डिडंट स्टिक टू राइट, एंड ही यूज्ड गावी, जैसे अभी तक गावी थोड़ा यूज हो रहा था बार्सिलोना के साथ, थोड़ा ऐसे विंग पे और वैसे टाइप का वैसे यूज करा. और भाई जो उनकी प्रेसिंग है, दे आर डॉग्स, स्पेन डॉग्स, दे रन लाइक डॉग्स. सेकंड्स देते हैं, माइक्रो सेकंड्स भाई, टाइम ही नहीं देते भाई, इतना भागते हैं, इतना भागते हैं, इट्स क्रेजी भाई. आई गेस तभी उसे इतने यंग प्लेयर्स चाहिए, इतनी स्टिक मिली थी भाई. You could not, तूने देखा था इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, it was burning, गावी की सिलेक्शन और ये सब चीजें जब हुई थी. But it's crazy. काफी. But he still manages to produce. But then I think I won't, look, I won't say he's brave. I think ये बहुत weird है सुनने में, but I believe कि भाई बहुत सारे managers, like बहुत सारे managers young players को debut देते हैं. कुम्मन ने debut दे रखा. समझ रहा है? The point I'm trying to make is कि मैं वही बोल रहा हूँ, हम विनीशियस बात करते विनीशियस पे कि विनीशियस कैसे बदल गया, एंड आई बिलीव कि विनीशियस बदला क्योंकि विनीशियस खुद बदला. आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग कोचिंग यहाँ पे, आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग अंशुलोती या फिर लुइस एनरिके या फिर वो, आई एम लाइक गावी इज अ प्लेयर जो तुम स्टार्ट, लाइक आई वाज नॉट श्योर जब गावी को तुमने ले 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 लिया सिलेक्शन में, आई वाज लिटरली हैविंग दिस फीलिंग कि वो स्टार्ट तो हाँ यार इतना तो बनता था. एंड नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट. That's interesting part. Why he played right wing? Mostly he played right. Technically, अगर बोल right wing नहीं बोलूँगा मतलब right sort of half, half right wing, right wide space. हाँ, like वो mostly right पे था. And I think mostly it was because कि not only कि Pablo Sarabia को inside use करना था and वो players को trade कर अच्छी तरह balance find करना. But and not only वो tried and tested था Barca में right wing पे. But mostly I would feel कि inside to play against Italy, to play inside, though he can, maybe puts psychological pressure. Now, the काफी interesting point भी है कि wide क्यों नहीं? But the reason why I would say wide नहीं, क्योंकि wide में for example player like number 8, क्योंकि wide में जब वो था, who would deal with him? Who would press? Who would deal with? Either a fullback or जो number 8. The पहली बात तो the whole point of Spain was, तूने देखो Koke was playing left back. Koke was literally left back कहीं ना कहीं. हाँ. Oh yeah, so the whole point was to stretch their press. Italy की. The whole point was कि खुल जाओ. उनकी प्रेस को स्ट्रेच कर दो, आराम से खोल दो सेकंड लाइन को. सेकंड लाइन पूरी खुली हुई थी जिसमें गावी था. और फ्रंट लाइन मेक इट एज नैरो एज पॉसिबल. ओयारसबल वाज नॉट वाइड, ओयारसबल वाज हाफ स्पेस अंदर से वाइड. यस हां, वो अंदर से वाइड था या उसके रन जैसे थे सारे. तो दैट्स सो दैट्स व्हाई दो गोल वैसे तो आए, दो गोल उसने एक बंदा काटा फेरान टोरेस नियर पोस्ट. क्यों? क्योंकि खींच रखा ना गावी ने बंदा, मतलब समझ रहा है कि मतलब बेसिकली इट्स ऑल ओवर. ये बोलने में आसान है एंड ये हर कोई मैनेजर कर लेगा, बट इट्स अबाउट द नॉट ओनली द क्वालिटी बट अगेन द ट्रस्ट यू पुट. एंड वी हैव सीन दिस यूरो से, भाई यूरो से पॉडकास्ट करते आ रहे हैं, यूरो से हम बोल रहे हैं कि कितना बुरा स्टार्ट था अगेन स्वीडन, जो मतलब हर कोई बोल रहा था कि हाँ बोरिंग स्पेन बेकार वो. एंड आई वुड से मैं भी था उनमें उस बैंड वागन, मैंने पॉडकास्ट में बोला भी था कि मैं भी उस बैंड वागन में था थोड़ा थोड़ा कि बोरिंग स्पेन, मतलब. बट then again and even Luis Enrique was so adamant, he was so not arrogant but he was so keep samajh raha hai, he was that much confidence tha. Kyunki bhai pehli baat to Spain mein if you don't pick Madrid players stick to milegi hi, gandi wali milegi, puri media tumhare piche pad jayegi. Tumko pata tha hum podcast mein baat kar chuke hain sari, hum ki hum bas bahut pass baat kar chuke hain euros mein ki jab press conference Luis Enrique 25 mein se 20 question the Spain ke Madrid ke, sorry ki Madrid ka nahi samajh raha. And he was tired literally, main puri press conference dekhi thi, he was tired ki bhai. But he still answered every question because he knew ki a part and parcel, samajh rahe? You can't brush off questions. So basically, and agar tum is meri opinion puchega is Madrid wale, to I'm totally, I totally get it, samajh rahe? I totally get it. I think most reasonable Madrid fans get it. 90% of jo dekh rahe hain, Ramos, agar us time par Ramos injured hai,
वास्केस आई अंडरस्टैंड, ठीक है वो भी इंजर्ड, ठीक है समझ रहे, नाचो इज नॉट अ लुइस एनरिके प्लेयर, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है और कौन है, और कौन है, इसको इसको स्टिल नॉट फाइंडिंग प्ले मैड्रिड में, तो मतलब तो वहां पे तो भैंचो चांस ही क्या है, और कौन है, एसेंसियो आई गेस, एसेंसियो अभी पर मिगेल की तीरस देखते हैं, मिगेल की तीरस भी मिगेल की तीरस ही माइट बी द वन, समझ रहे, तो मतलब आई यू यू गेट द पॉइंट, मतलब बेसिकली एंड बट आई एम टेलिंग यू अगर इफ मिगेल स्टार्ट्स फॉर मैड्रिड फ्रीक्वेंटली लाइक 5-6 गेम खेलेगा, ही इज लाइक उसके माथे पे लिखा है लुइस एनरिके लेगा, मतलब उस व्हाट ही इज एज अ प्लेयर उसके माथे पे, अगर फेदे वालवर्दे स्पेनिश है तो फेदे वालवर्दे स्पेन में स्टार्ट कर, तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स अंडरस्टैंडेबल अगर मैड्रिड वाला कोई पॉइंट है तो लुइस एनरिके जो कर रहा है भाई स्पिन के साथ एट द भाई एंड अब्रॉड की, मेरे को लगता है अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ की कल at the at at the end of the day they had two actions and two goals, two goals right, मतलब two actions complete actions, समझ रहे, like they were definite goals, so but they need to they create a lot of xg, बहुत half space में घुसना अच्छी तरह, they do all that shit, but it's not about having that focal point, but I think it's just the Ferran Torres factor, because भाई Ferran Torres factor even Guardiola knows, भाई Guardiola खुद पता है, वो उसके press conference में उसकी press conference देखना, लिखो YouTube पे Guardiola post match interview Newcastle BT Sports, वो Ferran Torres की वो explain करते हैं कि फेरन टोरेस क्या, देखियो तू भी देखियो पिछले सीजन का मैच आखिरी कि न्यूकासल जब बोलता ना मैच में उसको रिजल्ट भूल गया, आई थिंक दे 5-3 ऐसा कुछ, मुझे काफी एडवेंचरस गेम था, हां कुछ ऐसा गेम था, हां उसमें उसमें इसने बहुत तगड़ी उमर थी, अगर तुझे याद फेरन टोरेस हां हैट्रिक थी, राइट राइट, तो वो देखियो मतलब उसने प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करा गॉडलिन ने कि वो कैसा प्लेयर है, वो तो स्मेल गोल वैसा वैसा था, ऐसा प्लेयर भाई, और भाई यही होता है जेरेमी पिनो का भाई डेब्यू, फिजिक तो वैसी नहीं थी, फिजिक तो आई रिमेम्बर लेवेंडोव्स्की बहुत पतला, समझ रहे, he was lean, but वो ऐसा नहीं था, he was not weak, but वो lean था, lean था, obviously, जैसे इसाक भी पतला है, but he's very strong. नहीं, I'm trying to draw some conclusions between Ferran Torres and Lewandowski. क्योंकि at the end of the day, Lewandowski नहीं, Ferran Torres is, अगर मैं compare करूँ कोई पुराने footballer से, जो play भी बनाता और goal भी मारता है, that's what he's doing, right? मतलब तो ऐसा कौन होगा? जो David Villa, David Villa से उसके बहुत comparison है. David Villa, है ऐसा? बहुत हाँ. David Villa comparison. या पता है David Villa की मैंने कभी मैंने कोई उसके ऐसे वाला game देखी नहीं, personally मैं देखी नहीं David Villa की. तो देखिए. हाँ मैंने बहुत सारे पुराने मैंने ये ऑलमोस्ट पूरा सीजन देखा है, 9-10-11 वाला आई वाज दैट होल सीजन ऑलमोस्ट पे बैठ के डब्ल्यूडब्ल्यू काफी इंटरेस्टिंग है भाई, ब्रिलियंट भाई वो भी, मेरे को कहीं ना कहीं गेट द कंपैरिजन वाला, पर डेविडिया तब अपनी प्राइम में था और ये ही इज जस्ट स्टार्टिंग हिज करियर वाली, तो भाई पीनो देखा भाई साहब, जेरेमी पीनो व्हाट अ प्लेयर भाई, प्यार हो गया भाई, प्यार लड़ाई हो गई तो हाँ उसकी लड़ाई भी रेड कार्ड उसमें पता है किसको मिला था, भूल गया था, जो भी इसने वो रेड से चिल्ली चढ़ गया था, मिला था बुनुची बुनुची, हां बुनुची को, पर लड़ाई पता नहीं, अरे भाई पीनो, यू नो अगेन दैट्स व्हाट इट्स इज, पीनो वी न्यू कि पीनो इज अ लुइस एनरिके प्लेयर, लाइक पीनो यू नो कि पीनो क्योंकि ही कैन प्ले डिफरेंट रोल्स, मतलब आई थिंक लुइस एनरिके के स्पेन से इतना तो पता लग गया कि वर्सेटाइलिटी फ्रंट लाइन यू कांट गेस इट, सेंटर में होगा यू कांट, हम यूरो से पहले बात करते गेम से याद है एंड नाउ आई थिंक इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग उसका पोटेंशियल जो तुखेल ने करा, आई थिंक तुखेल को बहुत थैंक यू मिलेगा इसमें, क्योंकि तुखेल ने सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर करा, क्योंकि अब चिलवेल स्टार्टिंग करा ना यूजुअली, अलोंसो स्टार्टिंग एंड वी प्रॉपर यूटिलाइज कर लुइस एनरिके, आ गया भाई, ही इज बैक इन स्पेन, लुक्स भाई, और कौन सा प्लेयर है जो स्पेन में आना चाहिए जो नहीं आ रहा अभी, कनालेस कैसे तो बढ़िया है, वो इंजर्ड रहता है,
पर द थिंग इज कि कनालिस आई डोंट नो शल लास्ट टू लास्ट ईयर था भी स्क्वाड में था भी हां था एंड ही वाज नॉट गुड इन इट ही वाज नॉट वेरी गुड फॉर मेरिनो तो है ना मेरिनो था इस बार आया मेरिनो हैज हैड अगेन अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू द सीजन हमेशा उसका स्टार्ट तो फिनोमिनल है ऑब्वियसली तो है ही फार उस वो भी आ गया भाई एक बार मुझे काफी इंटरेस्ट हो सकता था पर ये हो कैसे तो पर ये नहीं नहीं मतलब एक यंग प्रोस्पेक्ट जो आ जाएगा लुइस एनरिके एक्स प्लेयर यंग आई वुड से काफी वियर्ड है और काफी अनकैनी है बट अगर एक नंबर सिक्स नंबर एट ऐसा कुछ कंसिडरिंग वो बहुत पोजीशन खेल चुका है फ्रान बेल्ट्रान गुड शॉट मतलब Fran Beltran has played, I have seen him play number 10, number 8, number 6. Haan, he plays half space proper. But what I'm trying to make is ki he can play various positions. Matlab, maybe he uses Luis Enrique finds a way. Kyunki jab hota na apna, jab jo Euro se pehle jo bakchodi hui thi inki, COVID wali, Spain ki. To jab proper under 21 team aage thi. Fran Beltran bhi to aaya tha. Haan, haan. To sab aage thi. To basically, I don't know, yehi naam mujhe dimaag mein. To basically, haan. स्पेन तो इंटरेस्टिंग है भाई पर इटली भाई इटली तो पिट गई भाई हां भाई मानसिनी भाई क्या करता भाई क्या करता भी क्या वो इटली भाई होम पे था सानसिनो में था सानसिनो पिटे भाई सानसिनो पिटे है भाई क्रेजी आज तो फ्रांस काफी बेस्ट ऐसा भी नहीं था कि रेड कार्ड से देवर जब उससे पहले भी देवर सेकंड बेस्ट द होल टाइम ब्रिलियंट भाई मजा आया देवर के और पता है जो गोल खाया था स्पेन ने बड़ा घटिया गोल खाया बट जो गोल खाया था उसमें पाउ टोरेस बहुत सस्पेक्ट था हां उसपे वो प्रेस ने क्वेश्चन बोला कि तो पता नहीं आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चंस पर कुछ ऐसे इसी से रिलेटेड था पाउ टोरेस से रिलेटेड था लुइस एनरिके का पता क्या वो था ही सेड कि पाउ टोरेस की गलती नहीं थी इट वाज द मिस्टेक ऑफ द टीम ऑब्वियसली और कोमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नीको की गलती थी नीको ने ट्रैक भाई उसने नीको को सिंगल आउट कर दिया उसने नीको को सिंगल आउट कर दिया और फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि प्लेयर्स डिडंट लाइक कि वो ऐसे यंग प्लेयर को मिसल गए थे जैसे भाई मैं हैरान हो गया था मैं लिटरली वीडियो से बना पा रहा था ना अभी क्योंकि मतलब वो भी था थोड़ा इल भी था अभी मैं ये ली हूं आवाज से लग रहा होगा बट भाई मैं तो हैरान हो गया था भाई वो पॉइंट देख के मैंने कहा भयंकर नीको को कैसे से सिंगल आउट कर दिया वो तो सही क्रेजी मोरिनियो बन गए भाई कुमेन भाई और अब भाई स्टार्ट हो गया वो फ्रांस वर्सेस बेल्जियम देखते क्या होता है उसमें स्टार्ट हो गया 12:30 साढ़े बारह जो भी है भाई गाइस इसी पे खत्म करता है थोड़ा छोटा मैच देख लेंगे और आई गेस जो तुम अगर इफ द लिसनर्स टू दिस पॉडकास्ट अगर कुछ और बारे में बात करें यू कैन टाइप इन द टॉपिक्स वगैरह जो यू प्रोबब्ली वांट टू सी अस टॉक अबाउट मिलते अगली बार अलविदा.